कंपू थाना क्षेत्र के अंतर्गत शीतला माता मंदिर रोड पर ट्रक के बगल में जा घुसा। कंपू थाना क्षेत्र के अंतर्गत शीतला माता मंदिर रोड पर सामने की तरफ से आ रहा था ट्रक और बुलेरो कार के बीच में टक्कर हो गई और बड़ा हादसा हो गया। ट्रक चालक ने बताया कि यह घटना लगभग शाम 8 बजे की है। फिलहाल सभी सुरक्षित हैं। इस घटना के बारे में गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि शीतला माता मंदिर रोड पर किसी प्रकार का बैरिकेड नहीं होने के वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ब्रेकर बनवाने के लिए क्षेत्र के पार्षद और जिला प्रशासन से भी शिकायत कर चुके हैं, पर आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। मौके पर क्रेन की गाड़ी से ट्रक को बीच में से हटवा दिया है। क्या नाम भैया आपका? रिंकू। इसी क्षेत्र के हो आप? ये एक्सीडेंट के बारे में बताइए। एक्सीडेंट हुआ, ये मालनपुर से आ रही थी गाड़ी, बिल्कुल स्लो थी, उधर से बुलेरो आई हमारे गांव में, वो बैरिकेड लगे हैं, वहाँ से वो एक सांड निकला, वो नशे में थे शायद, तो वो बोन उसका आगे का बोनट होता है उस पर सांड रख के आ गया। वो जब वो बुलेरो जब रुकी है इसमें ठुक गई है और यहाँ पे वो रिम पे चलने लगी है, गाड़ी वाले की कोई गलती नहीं है, रिम पे चलने लगी है, तो वो अपने आप सांड गिर गया। जब वो बुलेरो रुकी है तो वो पता नहीं रात में कौन ले गया कौन नहीं ले गया, उसका हमें कोई पता नहीं है। और हमारे गांव में ऐसे हादसा होते ही रहते हैं, एक्सीडेंट वगैरह, क्योंकि वाहन बहुत ज़्यादा निकलते हैं, ब्रेकर एक भी नहीं है। गांव तो, गांव का क्या नाम है? नौगांव। कौन सा थाना लगता है आपका? हमारा ये कंपू थाना। कंपू थाना लगता है। तो क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि कम से कम 10 ब्रेकर होना चाहिए हमारे गाँव से और शीतला त्राई का, क्योंकि शीतला माता पे लोग पैदल भी जाते हैं तो उनका भी बचा बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है। वो भी जाते हैं ट्रक बिल्कुल भी साइड से नहीं लेते और वो कच्चे में कूद जाते हैं पैदल यात्री, जब वो अपनी जान बचा पाते हैं। ब्रेकर के लिए आपने कोई आवेदन भरा दिया किसी को लगाने के लिए? अभी अपने यहाँ पे SDM वगैरह आए थे, CSP साहब आए थे, यहाँ पे बैरिकेड लगे ना वहाँ पे एक औरत खत्म हो गई थी भितरवार की, ऐसी कार से एक्सीडेंट हुआ था, तो उनने ब्रेकर की बोला था, पर हमारे यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है ना हमारे यहाँ पे ब्रेकर लगाए गए। कौन है आपके क्षेत्र के पार्षद? पार्षद है हमारे यहाँ के, वो केशव सिंह। आपने कही विधायक? हाँ, उनसे एक आध बार बोला भी है, पता भी है, पर वो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या नाम भैया आपका? रहीमोहन। रहीमोहन, ये ट्रक का एक्सीडेंट कैसे क्या हुआ? ये बुलेरो से टकराई। बुलेरो से टकराई, कितने बजे की घटना है? ये करीब होगी 8-8:30 बजे की, सुबह 8-8:30 बजे की, शाम को कल 8-8:30 बजे की घटना है, 7:45 बजे की होगी ऐसे। तो कितना अभी नुकसान भरा की आशंका? नुकसान तो इसमें आप देख ही रहे हो, काफ़ी नुकसान है। तो बुलेरो कार से हुआ? बुलेरो कार से। क्या कार को पकड़ लिया गया या क्या? अभी नहीं, कार तो वो खींच लेगा, यहीं खड़ी रह गई थी कार, तो कार इधर ही। किसी की दुर्घटना वगैरह इसमें नहीं? किसी की चोट वगैरह? चोट वगैरह किसी को नहीं है? किसी कुछ नहीं है, सिर्फ ओनली माल का नुकसान हुआ, बस गाड़ी का नुकसान हुआ, गाड़ी का नुकसान हुआ। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।